तेरी मंत्र शक्ति पे भरोसा करके देवी माँ की आंखों की पंखुड़ी लाने को मान गया था, अब क्या हुआ? माता की शक्ति ने मेरी बहन को मार डाला, उसके बाद मेरी बारी होगी, इसका कोई जवाब है तेरे पास? मैं महिषासुर का अवतार हूँ, वो देवी तुझे मिटाए उससे पहले मैं उसे खाक में मिला दूंगा। उसके लिए एक रास्ता है। माता, मैं तेरे लिए नमक डाल के छांछ लाई हूँ। नमक किसी चमत्कार के लिए? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नमकीन छाछ नीम की कड़वाहट को मार नहीं सकता। ठीक है ठीक है, आने का कारण बताओ। मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। हाँ माता, जब घर पर ही हो तो मंदिर क्यों जाना है? मन्नत मांगी है, वो मंदिर जाकर ही पूरी करनी होगी, इसलिए। तो हो आओ। माँ, मेरे मंदिर जाकर वापस घर आने तक तो मेरे पति को नहीं मारेगी। माँ क्या देख रही है, मुझे सुहागन बनकर ही उस मन्नत को पूरा करना होगा, इसलिए मेरे लौटने तक मेरे पति को तो कुछ नहीं करेगी, ऐसा मुझे वचन दो माँ। तुम वचन मांग रही हो या बचाव? माँ मेरे दिल में क्या है ये तुझे मालूम है, तो क्या तू मुझे ये वचन नहीं दे सकती? वचन देने में क्यों कंजूसी, चलो देती हूँ। तो सुनो, तुम्हारे मंदिर जाके वापस लौटने तक मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी, मैं वचन देती हूँ, तुम हो आओ। बस मुझे इतना काफी है, मैं चलती हूँ माँ। देवी धोखा खा गई, जो मैं चाहूंगा वही होने वाला है। भैरव तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बीवी के मंदिर जाके घर लौटने तक देवी माँ मुझे नहीं मारेगी, ये मेरी बीवी के जरिए माता से वचन लेने के लिए कहा था, मैंने भी वैसा ही किया, इसमें खुशी की क्या बात है? वो मंदिर जाके घर लौटेगी तभी तो तुझे मारेगी, अगर तेरी पत्नी लौट कर नहीं आई तो। वाह वेरी गुड आइडिया। तेरी पत्नी को मैं मार डालूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक मदद करनी होगी। तुम तो मेरी जान बचा रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बोलो। उस बच्ची के पास जो आंखों की पंखुड़ियां है वो मुझे चाहिए, जाकर ले आ। ए, मजाक कर रहे हो है? पहले भी एक बार सर उड़ गया था, वो क्या कोई आम बच्ची है, दिव्य शक्ति है उसमें। घबरा मत, तुझे उसको मारने की शक्ति मैं दे दूंगा। तेरे हाथों को मैंने शैतानी ताकत दे दी है, फौरन जाकर उस बच्ची की आंखें छीन कर ला, जा। Oh.
करना चाहा, फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया। अब मेरी भक्तिन के प्राण लेने पर तुले हुए हो, मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगी। मारकर ही मेरा क्रोध शांत होगा। रुको माँ, मेरे मंदिर जाकर घर लौटने तक तुम मेरे पति को नहीं मारोगी, ऐसा वचन दिया था। मैं अभी तक घर नहीं गई, इसलिए तुम वचनबद्ध हो। मैं वचनबद्ध हूँ? मैं अपने वचन का दुरुपयोग नहीं होने दूंगी। तू जानती है ये तेरे द्वारा वचन लेकर तेरे ही प्राण लेने पर तुला हुआ है, और मैं इसे क्षमा कर दूं और भी ये जीवित नहीं रहेगा। सदा माता माता की रट लगाती थी, उस बेटी को तो यही आशीष देना चाहती है। क्या कोई भी माँ अपनी बेटी की माँ को जानना चाहेगी? लेकिन तू यही चाहती है। आजा, आकर अपनी मर्जी पूरी कर, चला। अरे वाह रे देवी माँ, तू तो सदा सुहागन बनी रहेगी, लेकिन मुझे अपनी चूड़ियां तोड़नी होगी, यही ना? इसे भी तेरी खुशी है ना? तो फिर आ, अपनी बेटी के सुहाग को मिटा दे। आ माँ दुर्गे, मैं इंसान होकर भी इंसानियत से अनजान बना रहा। इंसानों की आंखें ही नहीं, तुम्हारी आंखों को भी छीनना चाहा। मुझे माफ कर दो माँ। अभी तक इन्होंने जो पाप किया है उसके लिए इनके हाथ जल गए, और सजा मत दो माँ। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। उस वचन के कारण नहीं, तेरी भक्ति के कारण मैं झुकती हूँ। मैंने इसे क्षमा किया। माँ, मेरी बेटी के पास तेरी आंखों की जो पंखुड़ियां हैं, वो तेरी अमानत है, तू उन्हें ले ले माँ।